हेलो एंड वेलकम टू अड्डा ट्वेंटी फोर के क्लास 11 12 जेई नीट में और ये जो अड्डा है बच्चों अड्डा क्या है अड्डा है कामयाबी का तो कैसे हो आप सब लोग सभी को पूजा मैम की तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग नमस्ते आदाब सतरियाकाल कैसा चल रहा है सब कुछ कैसी चल रही है मस्तियां मस्तियां तो मस्तियां कैसी चल रही है पढ़ाई सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना अरे भाई पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो पढ़ाई करना भी जरूरी है बच्चों क्योंकि इस बार है हमारी क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में बच्चों अगर मार्क्स अच्छे लाने हैं तब तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी और और बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपके जैसे पता है आपके साथ ही आपके जैसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है और आप क्यों पीछे रह रहे हो आपको मार्क्स अच्छे नहीं लाने हैं क्या लाने हैं ना तो मार्क्स अच्छे लाने उसके लिए बच्चों पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी और बच्चों मैं आपको बता दूं कि अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन स्कूल जो है वो आपके लिए लेके आया है बच्चों एम सीरीज अब इस एम सीरीज में बच्चों जितने भी आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसके लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई है बच्चों और बच्चों अभी तक अगर किसी बच्चे ने ये सीरीज देखना शुरू नहीं किया है तो बच्चों वेट किस चीज का है फटाफट से सीरीज देखना शुरू कर दो क्योंकि बच्चों यहाँ पे इन सीरीज में क्या हो रहा है एमसीक्यूज जो सीरीज है बच्चों इस सीरीज में आपको सारे ही अरे भाई सारे ही टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बच्चों एम सीरीज स्टार्ट हो गई और जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट देख लो आज की जो हमारी एम सीरीज है उस पर भी चर्चा करेंगे कि आज की हमारी एम सीरीज क्या है पर उससे पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों विजय बैच के बारे में तो बच्चों अंडर ट्वेंटी फोर सेवन पे विजय बैच चल रहा है और इस विजय बैच की खास बात क्या है ये जो विजय बैच है बच्चों ये क्लास ट्वेल्व के लिए बनाया गया है यस इट इज स्पेशल फॉर क्लास ट्वेल्व और बच्चों इसमें क्लास ट्वेल्व की तीनों ही स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम कवर होगी और बच्चों ये जो अरे भाई ये जो विजय बैच है बच्चों ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाया है ठीक है बच्चों अब मैं इस बैच की खास बात बता देती हूँ बच्चों ये जो विजय बैच है बच्चों इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी और बच्चों आपको इस विजय बैच में जितने भी जितने भी जो टीचर है बच्चों वो वेल well एक्सपीरियंस और वेल well क्वालिफाइड है यानी आपको वेल well एक्सपीरियंस और वेल क्वालिफाइड फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा तो बच्चों अभी तक अगर किसी बच्चे ने क्लास लेना अटेंड नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से क्लास लेना शुरू कर दो क्योंकि बच्चों क्लासेस चल रही हैं और बच्चों ऐसा मौका अरे भाई इतना सुनहरा मौका तो हमें गवाना ही नहीं है अब बच्चों मैं आपको स्केड्यूल बता देती हूँ कि विजय बैच का जो क्लासेस है उसका स्केड्यूल क्या है तो दिन की शुरुआत होती है अरे भाई दिन की शुरुआत तो इकोनॉमिक्स की क्लास से होती है तो बच्चों सुबह ग्यारह बजे की क्लास मतलब पूजा मैम की क्लास सुबह ग्यारह बजे की क्लास मतलब इकोनॉमिक्स की क्लास आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों हिंदी की क्लास की तो हिंदी की जो क्लास होती है बच्चों वो होती है दिन में बारह बजे उसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों तो एक बजे होती है बच्चों फिजिक्स की क्लास और इसके बाद फिजिक्स की क्लास की बात करें तो बच्चों होती है अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास होती है वो होती है बच्चों दिन में दो बजे और तीन बजे और अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास के बाद में बात करें तो बच्चों क्लास होती है बच्चों मैथ्स की और मैथ्स की क्लास का टाइमिंग है बच्चों शाम को चार बजे उसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों तो पांच बजे क्लास होती है हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की क्लास के बाद में होती है बच्चों इंग्लिश की क्लास जिसका टाइमिंग है सात बजे और बच्चों और मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री की क्लास भी शुरू हो गई है और केमिस्ट्री के क्लास का टाइमिंग है बच्चों शाम को रात को आठ बजे तो बच्चों ये है हमारे विजय बैच की क्लासेस का स्केड्यूल और बच्चों क्लासेस चल रही हैं अरे भाई बच्चों अभी तक जिन बच्चों ने क्लासेस लेना शुरू नहीं किया है फटाफट से क्लासेस लेना शुरू कर दो अब हम चर्चा करेंगे बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आखिर आज हम किस पे एम करने वाले आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अरे भाई बहुत ही मस्त टॉपिक पे एम करने वाले हैं वो टॉपिक है बच्चों मांग अरे भाई इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और मांग ना पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता आज हम पढ़ेंगे बच्चों मांग यानी डिमांड पे एमसीक्यूज करेंगे और ये जो हमारा डिमांड का जो टॉपिक है वो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत से ये रिलेटेड है और आज हम करेंगे बच्चों मांग यानी यहाँ पे डिमांड से डिमांड से जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे, उन पे हम चर्चा करेंगे बच्चों ठीक है बच्चा भाटी तो स्टार्ट करते हैं पर स्टार्ट करने से पहले आज कुछ नए बच्चे भी तो होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे अरे भाई आज कुछ नए बच्चे भी तो होंगे उनको मेरा इंट्रोडक्शन देना भी तो जरूरी है तो बच्चों आपके सामने है मेरा इंट्रोडक्शन मेरा नाम पूजा रावत है और मैंने अपनी मास्टर्स की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और मुझे आप जैसे आप जैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का तीन साल का एक्सपीरियंस है और बच्चों मैंने आप जैसे आप ऐसे प्यारे-प्यारे 2000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा है ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन अब आपको क्या करना है अरे बच्चों आपको बस छोटा सा काम करना है आपको करना है इस सेशन को लाइक और शेयर और बच्चों अभी तक अगर किसी बच्चे ने अड्डा 247 के क्लास 11 12 जेईई नीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और हां बेल आइकन दबाना मत भूलना ठीक है बच्चों बाटी तो अब स्टार्ट करते हैं वेस्ट नहीं करते हैं अपना टाइम लेट्स पुट योर थिंकिंग कैप ऑन और बच्चों अब तैयार हो जाओ अब अपने दिमाग की बत्ती जला लो क्योंकि एम सी क्यू स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे सभी बच्चों की तरफ से अरे भाई सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चे जुड़ेंगे इससे और मुझे क्वेश्चन के आंसर देते रहना क्योंकि मैं इसमें टाइमर के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो सभी बच्चे मुझे आंसर देते रहना तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो क्या कह रहा है अरे भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी वस्तु की मांग सॉरी किसी वस्तु की मांग से तात्पर्य है पहला ऑप्शन है किसी वस्तु की इच्छा दूसरा कह रहा है किसी वस्तु की जरूरत तीसरा कह रहा है उस वस्तु की मात्रा चौथा कह रहा है कि किसी विशेष अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर मांगी गई वस्तु की मात्रा तो क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर वन का आंसर अरे भाई टाइमर चल रहा है टाइमर चल रहा है और ये टाइम अप चलो कोई ना आपके लिए मैं थोड़ा और टाइम बढ़ा देती हूँ तो बच्चों मुझे बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आखिर पता तो चले भाई क्वेश्चन नंबर वन हम इतने दिनों से डिमांड पढ़ते आ रहे हैं आगे डिमांड का जो है यहाँ पे मांग यानी डिमांड से क्या मतलब है डिमांड से क्या तात्पर्य है? ओके 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 बच्चा पार्टी तो यहां पे, यहां पे डिमांड से तात्पर्य क्या है डिमांड हम किसे कहेंगे अरे भाई मांग किसे कहेंगे मांग कहेंगे बच्चों कि एक निश्चित समय अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर मांगी गई वस्तु की मात्रा क्या होगी बच्चों ये होगी डिमांड डिमांड के फाइव एलिमेंट्स होते हैं बच्चों डिमांड के पांच तत्व होते हैं पहला जो तत्व है बच्चों वो क्या किसी वस्तु की इच्छा दूसरा है बच्चों उस वस्तु के एक निश्चित कीमत तीसरा है कि उस उस वस्तु के चलो मैं यहां पे लिख देती हूं तत्व कौन कौन से हैं डिमांड के तत्व की अगर हम बात करें बच्चों तो पांच तत्व है। पहला क्या है बच्चों इच्छा ठीक है दूसरा है बच्चों दूसरा है हमारी निश्चित कीमत वस्तु की कीमत होगी तीसरा है बच्चों मुद्रा सॉरी मुद्रा खर्च करने की इच्छा मुद्रा खर्च करने की इच्छा करने की इच्छा चौथा यहां लिख देती हूं चौथा है अपना निश्चित समय निश्चित समय और है बच्चों यहाँ पे आ निश्चित समय हो गया कीमत हो गई मुद्रा हो गई और खर्च करने की इच्छा ठीक है मुद्रा भी हो गई और खर्च करने की इच्छा भी हो गई ठीक है बच्चा अब अब हम देखेंगे बच्चों की अगर मुझे ये पेन चाहिए अरे भाई मेरा ये पेन लेने का बहुत मन है या फिर हम एग्जाम्पल ले ले लेते हैं कि मैं मार्केट में गई मुझे भूख लगी अब मेरा समोसे खाने का मन हो रहा है तो समोसे खाने के लिए क्या है? मेरे पास बच्चों पचास रुपए है अरे भाई पचास रुपए समोसे खाने का ठीक है भूख भी लगी है इच्छा कर रही है क्या समोसे खाने की सबसे पहले किसी भी वस्तु की अगर इच्छा नहीं होगी बच्चों तो वहां मांग नहीं आएगी ठीक है किसी भी वस्तु की इच्छा होगी ठीक है उस वस्तु की कीमत अब समोसे की जो कीमत है बच्चों वो पंद्रह रुपए ठीक है मैं दुकान पे गई मैंने पूछा कि समोसा क्या रेट है उन्होंने कहा पंद्रह रुपये का ठीक है उन्होंने मेरे को समोसा दे दिया मैंने उनको पैसे दिए उन्होंने मेरे को समोसा दे दिया ठीक है बच्चों तो कीमत क्या हो गई अरे भाई समोसे की कीमत हो गई पंद्रह रुपये थर्ड है बच्चों मुद्रा खर्च करने की इच्छा अब बच्चों मेरी इच्छा भी है वस्तु की कीमत भी पता है मुझे पर यहाँ पे मेरे पास जो पैसे हैं मुझे उसको खर्च ही नहीं करने तो बच्चों यहाँ पे यहाँ पे क्या मैं वो वस्तु खरीदूंगी नहीं यहाँ पे क्या मैं समोसा खरीदूंगी नहीं तो यहाँ पे तीसरा क्या है बच्चों तीसरा एलिमेंट है कि हमारे पास जो मुद्रा है उसको खर्च करने के लिए हम तैयार होंगे उसको खर्च करने की हमारी इच्छा होगी तभी क्या करेंगे हम मांग करेंगे और चौथा है बच्चों एक निश्चित समय अवधि में क्या होगा ये सारी क्रियाएं होंगी यानी एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित कीमत में हम क्या करेंगे एक वस्तु की मांग करेंगे यही क्या हो गया बच्चों यही हो गया हमारा क्या मांग तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों डी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखे तो सही अरे भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु की मांग में संकुचन का परिणाम है ठीक है उपभोक्ता की संख्या में कमी दूसरा है वस्तु की कीमत में वृद्धि तीसरा है अन्य वस्तुओं की वृद्धि या उपभोक्ता की आय में कमी क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा बताओ तो सही सभी बच्चे मुझे मैसेज करके बताएंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से ओके हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है बच्चों पर चलो कुछ नहीं आपको मैंने ज्यादा टाइम दिया सभी बच्चे मुझे मैसेज करके बताएंगे कि हम जो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं कि वस्तु की मांग में संकुचन कैसे होता है और वस्तु की मांग का जो संकुचन है वो किस कारण से होता है ओके सभी बच्चे मुझे मैसेज करेंगे ओके बच्चा पार्टी चलो मैं बताती हूं कि वस्तु की मांग का जो संकुचन है वस्तु की मांग में जो वस्तु होती है उसकी मांग में दो तरह से परिवर्तन होता है पहला होता है मांग में या तो बदलाव आ जाता है या फिर मांग में संकुचन होता है ठीक है बदलाव और संकुचन का हम अलग से देखेंगे एक संकुचन होता है एक क्या होता है बच्चों बढ़ोतरी होती है ठीक है अब इसको समझेंगे बच्चों नॉर्मल चलो डायग्राम से ही समझते हैं हम इसको ये अपना हो गया जीरो ये अपना हो गया बच्चों एक्स अक्स और ये अपना क्या हो गया बच्चों वाई अक्स ठीक है इसको हम करेंगे पर उससे पहले यहाँ पे एक्स एक्स पे अपन लिख देते हैं मात्रा और यहां पे yx पे लिख देते हैं बच्चों कीमत ठीक है अब बच्चों सिंपल सा है सिंपल सा है आपको मम्मी ने क्या दिए सौ रुपए दिए अरे भाई मम्मी ने आपको सौ रुपए दिए और कहा जा बाजार जाके क्या लेके आ जा आम लेके आ जा क्या कहा मम्मी ने मम्मी ने आपको सौ रुपए दिए और कहा कि बाजार जाके आम लेके आ जा अब बच्चों आप गए बाजार आपने पूछा बाजार में कि भाई आम क्या रेट है तो उन्होंने कहा कि बाजार की जो कीमत है सॉरी आम की जो कीमत है बच्चों वो कितनी है सौ रुपए के जी क्या है सौ रुपए पर के जी यानी आप सौ रुपए में एक किलो आम ले सकते हो आपने सौ रुपए दिए आपने क्या करा बच्चों आम ले लिए ठीक है ये क्या हो गया यहां पे हमने देखा क्या हुआ है हमने सौ रुपये कीमत और मांग में संबंध है यहां पे क्या हो रहा है यहां पे कीमत और मांग में संबंध है जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों सौ रुपए हमने दिए और यहाँ पे क्या एक किलो आम की मांग कर ली अब बच्चों अब अगर अगर यहाँ पे कीमत पचास रुपए हो अगर कीमत आम की पचास रुपए के जी हो तब आप कितने आम यहाँ पे खरीद सकते हो अरे भाई कितने आम खरीद सकते हो आपके पास सौ रुपए है दो किलो आम आप यहाँ पे खरीद सकते हो अरे भाई हमने मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कीमत कितनी है बच्चों यहाँ पे कीमत हो गई पचास अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या हुई अरे भाई कीमत कम हो गई तो मांग क्या हो गई बच्चों हमारी बढ़ गई अब अगर कीमत कम हो गई और मांग बढ़ गई तो ये हमने क्या देखा मांग और कीमत में क्या है बच्चों इनवर्स रिलेशन है ठीक है हमने देख लिया पर बच्चों अगर अगर ये पहला केस हो यानी अगर यहाँ पे पहले पचास में हम दो किलो आम खरीद रहे थे और अब अब जो कीमत है बच्चों वो सौ रुपए हो गई तो अब कितना खरीद रहे हैं बच्चों एक किलो तो अगर हम देखें बच्चों मांग में संकुचन अरे मांग में कमी क्यों आ रही है क्योंकि यहाँ पे कीमत में वृद्धि हो रही है अरे भाई यहाँ पे अगर हम इससे इस, इस केस इस की तरफ बढ़े तो यहां अगर देखेंगे हम मांग कम क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है बच्चों कीमत बढ़ रही है तो हम कहेंगे मांग में संकुचन का क्या कारण है मांग में संकुचन का कारण है बच्चों क्या वस्तु की कीमत में वृद्धि अगर हम इसको यहां पर देखें बच्चों एक सेकेंड मात्रा यहां पर लिख देते हैं हम वन के और टू के ये हमारा हो गया पचास रुपए और सौ रुपए आम की कीमत ठीक है अब बच्चों अब अपना पहला ये वाला केस देखेंगे नीचे वाला ठीक है पहले ये वाला केस देखेंगे चलो देख लेते हैं चलो इसको समझते हैं पचास रुपए कीमत पे कितने हम आम की मांग कर रहे थे दो किलो चलो यहाँ पे पचास रुपए हम दो रुपए दो के जी आम की मांग कर रहे थे अब बच्चों कीमत कितनी है सौ रुपए कीमत है तो मांग कितनी हो गई बच्चों एक किलो ठीक है क्योंकि हमारे पास जो पैसे हैं बच्चों वो कितने हैं अरे वो तो सीमित ही है तो हमने क्या करा यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट कहाँ पे बना हमारा पहला पॉइंट बना है एक सेकेंड ये हमारा पहला पॉइंट बना है बच्चों यहाँ पे दूसरा सॉरी पहला यहाँ पे और दूसरा बना है यहाँ पे ठीक है बच्चों पहले हम कितनी मांग कर रहे थे अरे पहले हम यहाँ पे मांग कर रहे थे अब हमारी मांग बढ़ के कितनी कम हो गई कितनी हो गई बच्चों मांग कम हो होके इतनी हो गई यानी मांग का क्या हुआ बच्चों संकुचन हुआ है क्या हुआ है मांग का संकुचन हुआ है तो अब इसको हम जोड़ लेंगे यहाँ पे तो हमारा ये मांग वक्र बन गया और हम कहेंगे यहाँ पे क्या हुआ है हमारे मांग का इस केस में अगर हम उल्टा देखें तो इस केस में क्या होगा बच्चों यहाँ पे मांग का संकुचन होगा पर इसी केस को अगर हम उल्टा कर दें तो मांग में क्या होगा बच्चों विस्तार होगा यानी इस पॉइंट से अरे भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट में चले गए तो क्या हो गया ये हो गया संकुचन और इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट में आ गए तो क्या हो गया बच्चों मांग का विस्तार तो बच्चों मांग का संकुचन और विस्तार किसके किसके द्वारा प्रभावित होता है तो बच्चों कहेंगे हम कीमत के द्वारा प्रभावित होता है तो हम कहेंगे मांग का संकुचन का कारण क्या है अरे भाई मांग के संकुचन का कारण है कीमत में वृद्धि और मांग के विस्तार का कारण क्या है तो मांग के विस्तार का कारण है कीमत में कमी ठीक है बच्चों बाटी तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हमने देख लिया यहाँ क्या होगा बच्चों ऑप्शन टू होगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखें तो सही अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु युग्म प्रतिस्थापन का उदाहरण है कि यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं और इन चारों में प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी है कौन सा सबसे बेस्ट उदाहरण चाय और चीनी चाय और कॉफी कलम और शाही शर्ट और पतलून क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर जरा बताओ तो सही अरे भाई क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर फटाफट से सभी बच्चे मुझे आंसर करेंगे फटाफट से फटाफट से सभी बच्चे मुझे आंसर करेंगे प्रतिस्थापन प्रतिस स्थापन और विकल्प जो वस्तुएं होती है तीनों ही एक ही होती है बच्चों ये ध्यान रखना अब बच्चों प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है यानी हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं यानी हमें कोई एक वस्तु नहीं मिली पर उसके जैसे ही हमें दूसरी वस्तु मिल गई तो हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं ठीक है कैसे हमें मीठा खाना है चलो हमें मीठा खाना है और घर में क्या है बच्चों घर में हमें मिलता है गुड़ ठीक है अब बच्चों गुड़ खत्म हो जाता है तो हम शक्कर खा लेते हैं ना खाते ही नहीं खाते तो ये एक दूसरे की क्या है बच्चों प्रतिस्थापन प्रतिस वस्तु है या फिर हम कहेंगे स्थापन वस्तु यानी एक के स्थान पर हम दूसरी वस्तु को रख सकते हैं क्योंकि दोनों का दोनों की प्रकृति क्या है बच्चों एक है दोनों का काम क्या है एक है उसी तरह बच्चों अगर कभी कभी हमें जब प्यास लगती है हम कोको कोला पीना चाहते हैं कोको कोला नहीं मिलती है तो क्या हम यहाँ पे पेप्सी नहीं पीते पेप्सी पीते हैं नहीं पीते है? वो क्या हो गए बच्चों एक दूसरे की प्रतिस्प प्रतिस्थापन वस्तु हो गई उसी तरह अगर हम इन चारों में देखें तो ए, इन चारों में कौन सी कौन सी दो वस्तुएं वस्तु आप, आपस में प्रतिस्प प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं बच्चों अगर हम इन चारों में देखें तो इन चारों में कौन सी वस्तु प्रतिस्थापन वस्तु है या स्थानापन वस्तु है या एक दूसरे के वैकल्पिक वस्तु है क्या चाय और चीनी है अरे भाई अगर हमें चाय नहीं मिलती है तो क्या हम चीनी खा लेते हैं क्या या चीनी नहीं मिलती है उसकी जगह हम चाय ले लेते हैं क्या नहीं तो बच्चों क्या चाय और कॉफी है कि अगर हमें चाय नहीं मिले तो क्या हम कॉफी पी लेते हैं या फिर हमें कॉफी नहीं मिले तो क्या हम चाय पी लेते हैं अगले में चलते हैं क्या कलम और शाही है अगर हमें कलम नहीं मिलेगी यानी अगर हमें पेन नहीं मिलेगा तो क्या हम सिर्फ शाही से इंक से लिख देंगे या अगर हमें स्याही मिल गई और कलम नहीं मिलेगी तो हम कैसे करेंगे अगले में देखते हैं बच्चों अगले ऑप्शन में अगर शर्ट और पतलून यानी शर्ट और पैंट अगर शर्ट नहीं मिलेगी तो क्या हम पैंट से काम चला लेंगे या फिर अगर पैंट नहीं मिलेगी तो क्या शर्ट से काम चला लेंगे नहीं ना तो बच्चों यहां पे, यहां पे पे ये 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 जो तीन ऑप्शन है ना ये वाला ये वाला और ये वाला ये जो ऑप्शन है बच्चों पूरक वस्तुओं के हैं पर यहां पे चाय और कॉफी का जो ऑप्शन है बच्चों यानी चाय और कॉफी ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें क्या है ये एक दूसरे के प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं यानी एक के स्थान पर हम दूसरे का यहाँ पे क्या कर सकते हैं उपयोग कर सकते हैं कभी कभी जब हमें चाय नहीं मिलती है तो हम कॉफ़ी पी लेते हैं या फिर कभी कभी हमें कॉफ़ी नहीं मिलती है तो हम चाय पी लेते हैं तो यहाँ पे हमारी प्रतिस्थापन वस्तुओं का सबसे सही युग्म क्या होगा बच्चों चाय और कॉफ़ी होगा और बाकी जो वस्तुएं हैं वो क्या होगी बच्चों यहाँ पे पूरक वस्तु यानी एक वस्तु के बिना दूसरे का काम नहीं होता चाय के बिना चीन जैसे अगर हमें चाय बनानी है चाय बनानी है तो हम बिना चाय और चीनी के क्या चाय बना सकते हैं उसी तरह अगर हमें लिखना है तो बिना कलम और शाही के लिख सकते हैं नहीं ना तो ये सारी जो तीनों वस्तु है वो क्या होगी पूरक वस्तु होगी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखे तो सही अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की मांग का नियम अन्य चीजों को स्थिर मानकर किसके बीच में संबंध स्थापित करता है जरा बताओ तो सही पहला ऑप्शन कह रहा है कि उपभोक्ता की आय और उसके द्वारा मांगी गई वस्तुओं की मात्रा दूसरा ऑप्शन कहता है बच्चों वस्तु की मांग की मात्रा और उसकी पूरक वस्तु की सापेक्ष कीमतें माल की कीमत और उसके विकल्प की मांग और माल की कीमत और मांग की मात्रा किसके बीच में संबंध बताता है जरा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर तो बताऊं मुझे ओहो यहाँ पे टाइम भी खत्म हो चुका है पर सब कोई बात नहीं आप मुझे इसका आंसर बता दो कोई बात नहीं हम वेट कर लेंगे फटाफट से सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर ओके okay, चलो मैं ही बता देती हूँ मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जो अन्य चीजें हैं अन्य चीजें जो मांग को प्रभावित करते हैं उनको हम स्थिर रखते हैं और सिर्फ हम यहाँ पे देखते हैं कीमत और मांग में क्या देखते हैं कीमत और मांग का प्रभाव देखते हैं कि अगर अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर अगर और और अन्य चीजें जो हैं उनको अगर हम स्थिर रखेंगे तो अगर कीमत क्या होगी बच्चों कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगी बच्चों मांग कम हो जाएगी और अगर कीमत कम होगी तो मांग क्या होगी बच्चों मांग बढ़ जाएगी सिंपल सा है सिंपल सा है अपना क्या है डेफिनेशन मांग के नियम की सिंपल सी है सिर्फ ये कहता है जो मांग को प्रभावित करने वाले जो अन्य तत्व है उनको हमें स्थिर रखना है और सिर्फ कीमत और मांग में संबंध बताना है और कीमत और मांग में संबंध क्या है बच्चों इनवर्स रिलेशन है यानी विपरीत संबंध है यानी अगर कीमत बढ़ती है तो मांग क्या हो जाएगी उस वस्तु की कम हो जाएगी और अगर कीमत कम होती है तो मांग क्या होगी बच्चों बढ़ जाएगी तो यहां पर हमारे जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा कि यहां पे हमारा ऑप्शन होगा उपभोक्ता की आय और मांगी गई मात्रा में तो पहला तो होगा नहीं उपभोक्ता के आय और उसके द्वारा मांगी गई मात्रा में वस्तु की मांगी गई वस्तु की मात्रा ये गलत है दूसरा वस्तु की मांग की मात्रा और उसकी पूरक वस्तु की सापेक्ष की ये भी गलत है तीसरा कह रहा है माल की कीमत और उसके विकल्प की मांग नहीं फोर्थ कह रहा है बच्चों माल की कीमत यानी वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा तो बच्चों हम कहेंगे ये वाला ऑप्शन है क्या बताता है ये बताता है कि जो अन्य चीजें उनको स्थिर रखेंगे तो हम क्या बनाएंगे किसके बीच में संबंध बताते हैं हम वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्रा के बीच में क्या बताते हैं बच्चों संबंध बताते हैं और इनमें जो संबंध होता है बच्चों वो क्या होता है वो एकदम विपरीत संबंध होता है यानी इनवर्स रिलेशन होता है जो क्या होता है अगर एक चीज यानी कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगा और कीमत कम होगी और मांग क्या होगी बच्चों बढ़ जाएगी ठीक है और यहां पे ध्यान रखना कीमत क्या है बच्चों इंडिपेंडेंट फैक्टर है ठीक है और वहीं की, सॉरी कीमत क्या है इंडिपेंडेंट फैक्टर है और मांग क्या है बच्चों डिपेंडेंट है यानी कीमत कीमत मूव करेगी जैसे ही मूव कौन करेगा बच्चों यहाँ पे मांग मूव करेगी यहाँ पे मांग मूव करने से कीमत में कोई असर नहीं होगा पर कीमत पे कीमत में परिवर्तन होगा उससे मांग में जरूर परिवर्तन होगा ठीक है बच्चा पार्टी अब आप कहोगे मैम अन्य चीजें कौन सी होगी तो बच्चों मांग को प्रभावित करने वाली अन्य बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे आय हो गई स्थापन वस्तु होगी स्थापन वस्तु की कीमतें होगी ठीक है और बच्चों नेसेसरी गुड्स हो गए ये सब क्या है अन्य जो वस्तु है अन्य चीजें होंगी जैसे फ्यूचर में फ्यूचर में उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा नहीं होगा ये क्या हो गए बच्चों अन्य वस्तुएं हो गई तो इन सबको हमें क्या करना है अभी स्थिर रखना है इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना सिर्फ हमें कीमत और यहाँ पे मांग में ही संबंध दिखाना है तो बच्चों ये था हमारे क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखे तो सही अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों निम्नलिखित सभी कारक मांग के निर्धारक हैं सिवाय स्वाद और प्राथमिकताएं आपूर्ति की मात्रा आय संबंधित वस्तुओं की कीमत क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर टाइमर चल रहा है देखो टोटल टेन क्वेश्चंस हैं पर हाँ टेन क्वेश्चन में हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिमांड यानी मांग को कवर कर ही लेंगे तो बच्चों क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर फटाफट से सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे अरे भाई सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर ओके बच्चों ओके अभी अभी तो हमने समझा था अरे भाई अभी अभी तो हमने समझा था कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? पहला हो गया बच्चों क्या कीमत दूसरा उपभोक्ता की आय तीसरा क्या हो गया बच्चों स्वाद और प्राथमिकताएं भी क्या है यहाँ पे मांग को प्रभावित करती है ठीक है संबंधित वस्तु की कीमत हो गई या भविष्य में उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होना है नहीं होना है यह भी क्या करता है बच्चों मांग को प्रभावित करता है सिर्फ एक चीज यहाँ पे सिर्फ एक तत्व ऐसा है एक कारक ऐसा है जो मांग को प्रभावित नहीं करता वो है बच्चों आपूर्ति की मात्रा कि कितनी सप्लाई होगी अरे भाई बाजार में कितनी सप्लाई होगी इसका प्रभाव हमारी मांग पे कभी नहीं आता है ठीक है बच्चा पार्टी बाकी ये जो तीनों है ना स्वाद आय संबंधित वस्तु की कीमत और जो हमारी वस्तु की कीमत है ये सभी क्या करते हैं बच्चों मांग को प्रभावित करते हैं तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारा जो आंसर है निम्नलिखित सभी कारकों कारक क्या है बच्चों मांग को निर्धारित करते हैं सिवाय किसके आपूर्ति की मात्रा के सभी कारक क्या करते हैं मांग को प्रभावित करते हैं आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ तो बच्चों हमारा जो पहले उससे पहले देख लेते हैं पांचवें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो क्या है बच्चों बी आंसर है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है जरा देखें तो सही अरे अगला क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों यदि कोक और सेवन अप की कीमत के सापेक्ष पेप्सी की कीमत घटती है तो इसकी मांग कोक की, की कोक की कीमत सॉरी कोक से कोक की कीमत से कम हो जाएगी सेवन अप की सेवन अप है ये सेवन अप की घट जाएगी ठीक है कोक और सेवन अप में वृद्धि होगी और कोक और सेवन अप घट जाएगी यहां पे मांग है ठीक है बच्चों मांग है पहला ऑप्शन क्या कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है कि कोक अरे भाई कोक की क्या होगी यहाँ पे मांग कम हो जाएगी क्या दूसरा कह रहा है कि सेवन अप की मांग घट जाएगी क्या तीसरा कह रहा है कोक और सेवन अप दोनों की मांग में वृद्धि होगी क्या चौथा कह रहा है कोक और सेवन अप दोनों की मांग घट जाएगी तो बच्चों क्या है कोक सेवन अप और पेप्सी एक दूसरे के क्या है बच्चों सही सही बताना एक दूसरे की कौन कौन सी वस्तु है अगर हम देखें कोक अप और पेप्सी एक दूसरे की क्या वस्तु है कौन सी वस्तु अगर हम इन तीनों को देखें तो हम इन तीनों को कौन सी वस्तु बताएंगे तो हम ये जो तीनों है बच्चों वो क्या है बच्चों हमारी प्रतिस्थापित वस्तु है प्रतिस्थापन वस्तु है प्रतिस्थापन वस्तु अरे भाई अभी तो देखा था हमने अरे भाई अभी तो देखा था प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है प्रतिस्थापन वस्तु मतलब एक की जगह हम दूसरे का उपयोग कर सकते हैं पर बच्चों यहाँ पे यहाँ पे अगर अगर एक वस्तु यानी प्रतिस्थापन वस्तु में ही अगर एक वस्तु की कीमत कम होती है ना तो दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है क्यों अब बच्चों मान के चलो अब बच्चों मान के चलो आप क्या पीते हो बच्चों पेप्सी पीते हो ठीक है आप पेप्सी पीते हो अब आप पेप्सी के लिए मान लेते हैं पेप्सी की एक बोतल जो आती है बच्चों वो कितने की आती है यहाँ पे तीस रुपए की आती है अब बच्चों आप यहाँ पे मांग कितनी करते हो पेप्सी की पेप्सी की मांग कर रहे हो बच्चों यहाँ पे तीन पेप्सी की मांग कर रहे हो क्या कर रहे हो तीन पेप्सी की मांग कर रहे हो वहीं आप सेवन अप भी पीते हो क्या पीते हो बच्चों सेवन अप भी पीते हो और सेवन अप की जो कीमत है बच्चों वो भी सेम है कीमत कितनी है अरे भाई कीमत यहाँ पे तीस रुपये है और इसमें भी आप क्या करते हो बच्चों कितने की मांग करते हो आप इसमें भी तीस की मांग करते हो सिंपल सा दो चीजें लेके चलनी पहली आप क्या करते हो पेप्सी भी पीते हो और सेवन अप भी पीते हो दोनों की कीमतें भी सेम है दोनों की मांग भी आप क्या करते हो बच्चों यहाँ पे सेम करते हो ठीक है अब बच्चों पेप्सी की कीमत कम हो गई क्या हो गई यहाँ पे पेप्सी की कीमत यहाँ पे कम हो गई बच्चों यहाँ पे हो गई दस रुपये क्या देख रहे हैं हम अरे भाई पेप्सी की कीमत कम हो गई तो यहाँ पे अरे भाई यहाँ पे हमें क्या मिल रही अब ज्यादा पेप्सी मिलेगी क्योंकि हमारी यहाँ पे कीमत क्या हो गई बच्चों कम हो गई अब जैसे ही पेप्सी की कीमत कम हुई बच्चों यहाँ पे हम जो सेवन अप की मांग कर रहे थे ना इसकी मांग हम कम कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे अपनी मांग क्या करेंगे बढ़ा लेंगे तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जैसे ही प्रतिस्थापन वस्तु में एक वस्तु की कीमत कम होती है तो दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाती है बच्चों दूसरी वस्तु की मांग भी कम हो जाती है उसी तरह अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग भी क्या होती है बच्चों बढ़ जाती है और इसका जो होता है बच्चों कुछ इस तरह से बनता है मैं आपको बता देती हूँ मोटा मोटा जीरो x और y और x पे पे लिखते लिखते हैं हैं हम मात्रा और y बच्चों क्या कीमत 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 ठीक है कीमत हमारे y प्रोडक्ट की और मात्रा x प्रोडक्ट की तो बच्चों हमारा जो वक्र होता है बच्चों वो इस तरह से बनता है इस तरह से बनता है जिसमें क्या होता है बच्चों अगर अगर यहाँ पे किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु की क्या होगी बच्चों मांग बढ़ जाएगी और अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु की क्या होगी यहाँ पे मांग कम हो जाएगी तो अगर हम बताएं बच्चों तो पैप्सी की अगर कीमत घट रही है तो बच्चों पैप्सी की मांग बढ़ जाएगी पैप्सी की अगर कीमत घट रही है तो पैप्सी की मांग बढ़ जाएगी और यहाँ पे कोक और सेवन अप दोनों की ही कोक और सेवन अप दोनों की ही मांग क्या होगी बच्चों यहाँ पे यहाँ पे घट जाएगी तो हम कहेंगे हम कहेंगे यहाँ पे क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर होगा बच्चों कोक और सेवनअप दोनों की ही मांग क्या होगी बच्चों यहाँ पे घट जाएगी ठीक है बच्चा पार्टी तो इन दोनों में क्या है बच्चों यहाँ पे यहाँ पे क्या देखेंगे हम धनात्मक रिलेशन या इनवर्स रिलेशन सॉरी धनात्मक रिलेशन देखेंगे कि अगर दोनों की यहाँ पे क्या होगा पेप्सी की अगर कीमत घटी तो क्या होगी दोनों की ही यहाँ पे क्या होगी बच्चों मांग कम हो जाएगी अगर बढ़ती है अगर कीमत बढ़ती है तो दोनों की ही क्या होगी बच्चों यहाँ पे मांग बढ़ जाएगी ठीक है तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है जरा देखें तो सही अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों किसी वस्तु की कीमत में गिरावट के साथ उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है उपभोक्ता की वास्तविक आय घट जाती है उपभोक्ता की वास्तविक आय में कोई बदलाव नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर बच्चों बताओ तो सही टाइमर चल रहा है और टाइम खत्म होने वाला है क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर फटाफट से सारे बच्चे जवाब देंगे ओके ओके ठीक है बच्चों अगर अगर कोई वस्तु आपको बच्चों कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु आपको कितने में मिल रही है मान लेते हैं आम का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं ठीक है आम का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं वन के आम आपको मिल रहे हैं बच्चों कितने में सौ रुपए में मिल रहे हैं ठीक है आपकी आय भी कितनी है बच्चों आपकी आय भी यहां पे कितनी है बच्चों आपकी आय भी है सौ रुपए ठीक है कोई आम है आपको सौ रुपए में मिल रहे हैं एक किलो अब बच्चों कीमत कम हो गई अब आम की कीमत हो गई बच्चों यहां पे कितनी सत्तर कितनी हो गई बच्चों यहाँ पे आम की कीमत हो गई है सत्तर यानी आपको वन के जी आम कितने में मिल रहे हैं बच्चों अब सत्तर में बाकी तीस रुपए तो आपके पास बच गए ना अरे बाकी तीस रुपए तो आपके पास बच गए तो हम यहाँ पे कहेंगे जैसे ही किसी वस्तु की कीमत कम होती है उपभोक्ता की आय क्या हो जाती है बच्चों उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है हमेशा क्या होता है बच्चों अगर अगर हमेशा क्या हो कि अगर कीमत में गिरावट आ रही है किसी वस्तु की तो उपभोक्ता के पास कुछ ना कुछ आय बच जाएगी और इससे उपभोक्ता की आय क्या होगी बच्चों उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर होगा ए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है जरा देखे तो सही अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों गिफिन वस्तुओं के मामले में मांग वक्र होगा क्या होगा गिफिन वस्तु के मामले में सैतीस और, नीचे की ओर झुका हुआ लंबवत बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर एट का आंसर बच्चों क्या होगा टाइमर चल चुका है टाइम खत्म होने वाला है गिफिन वस्तुओं के बारे में सबने पढ़ा है क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर एट का आंसर जरा देखें तो सही ओके ओके तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर एट का जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा कि गिफिन वस्तुओं में मांग को क्या मानते हैं मांग वक्र में और अगर हम देखें तो मांग के नियम का जो अपवाद है बच्चों उसमें गिफिन वस्तुएँ भी आती हैं अब गिफिन वस्तुएं क्या होती है पहले गिफिन वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं बच्चों जिसकी मांग कब बढ़ती है जब उसकी कीमत बढ़ती है और मांग कम कब होती है जब उसकी कीमत कम होती है क्या देखते हैं हम हमने यहाँ दो चीज़ें देखी अरे भाई मांग और कीमत देखा हमने कि अगर अगर हम नॉर्मल अरे अगर हम नॉर्मल वस्तुओं में देखें अगर हम सामान्य वस्तु में देखें तो उसमें मांग का नियम लागू होता है मांग का नियम क्या कहता है मांग और कीमत में क्या है बच्चों इनवर्स यानी विपरीत क्या है संबंध है और और यहाँ पे अपवाद में अगर हम देखें मांग के नियम के अपवाद में देखें तो उसमें गिफिन वस्तुएं आती है बच्चों और गिफिन वस्तुएं हमें क्या बताती है गिफिन वस्तुएं कहती है कि मांग अरे वे किसी भी वस्तु की मांग कब बढ़ेगी जब उसकी कीमत भी बढ़ेगी और किसी भी वस्तु की मांग कब कम, -कम होगी मांग तब कम होगी जब उसकी कीमत भी कम होगी ऐसी वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती है बच्चों कौन सी वस्तुएं होती, है? वस्तु होती हैं ऐसी वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती है जिसकी मांग कीमत के बढ़ने के साथ बढ़ती है और कीमत के कम होने के साथ क्या होती है बच्चों कम होती है और इसका इसका जो डायग्राम होगा बच्चों वो कैसा बनेगा इसका डायग्राम बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा जीरो एक्स और वाई ये क्या होगी मात्रा और ये हो गई बच्चों हमारी क्या कीमत ठीक है और इसका जो डायग्राम होगा बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा यानी ऊपर की तरफ हमारा जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा जिसमें क्या हो रहा है बच्चों जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है हमारी क्या होगी बच्चों मांग भी बढ़ेगी और जैसे जैसे कीमत कम होगी वैसे क्या होगा बच्चों मांग भी कम होगी ये साथ में मूव करते हैं ठीक है तो इसीलिए अगर हम देखें बच्चों गिफिन वस्तु के मामले में हमारा मांग वक्र कैसा होगा तो हम कहेंगे बाएं से दाएं अरे भाई यहाँ बाएं से दाएं क्या हो रहा है बच्चों उठता हुआ और बढ़ता हुआ होता है हमारा मांग वक्र ठीक है बच्चा पार्टी तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एट का आंसर जिसका हमारा आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पे डी होगा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है जरा देखें तो सही अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों मांग का नियम है अरे भाई मांग का नियम यहाँ पे क्या है यहाँ पे कथन लिख देना ठीक है कथन एक मात्रात्मक कथन है एक गुणात्मक कथन है या दोनों है ए और भाई या इसमें से कोई नहीं क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर जरा बताओ तो सही अरे भाई क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर का आंसर टाइम इज अप टाइम खत्म होने वाला है बच्चों फटाफट से सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे ओके ओके और बच्चा यहां हमारा हो गया टाइम बच्चों मैं आपको बता देती हूँ हमारा जो मांग का नियम है वो क्या है बच्चों हमारा मांग का नियम क्या बताता है हमारा मांग का नियम बताता है कि की जब कीमत ऊपर बढ़ती है किसी भी वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और किसी भी वस्तु की कीमत अगर कम होगी तो मांग क्या होगी बच्चों बढ़ जाएगी पर बच्चों मांग का नियम ये नहीं बताता है ये क्या दे रहा है मांग का नियम सिर्फ एक दिशा दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या है यहाँ पे कीमत और मांग में क्या है बच्चों विपरीत संबंध है क्या है विपरीत संबंध है विपरीत संबंध है किसमें कीमत और मांग में कीमत और मांग में विपरीत संबंध है ठीक है ये तो, तो सिर्फ एक दिशा दिखा रहा है कि अगर कीमत बता देती हूँ यहां पे कीमत और मांग अगर कीमत क्या हुई कीमत किसी वस्तु की बढ़ रही है मांग क्या हो रही है कम हो रही है वहीं किसी वस्तु की कीमत क्या हो रही है बच्चों सॉरी किसी वस्तु की कीमत यहाँ पे कम हो रही है यहाँ पे किसी वस्तु की कीमत कम हो रही है तो मांग क्या हो रही है बच्चों बढ़ रही है ये क्या बता रहा है सिर्फ एक डायरेक्शन बता रहा है कि अगर कीमत बढ़ी मांग कम हुई कीमत कम हुई मांग बढ़ गई ठीक है ये क्या कर रहा है सिर्फ एक दिशा दिखा रहा है डायरेक्शन दिखा रहा है अब ये मतलब मांग का नियम ये कभी नहीं बताता है कि अगर अगर कीमत में दस की क्या हुई है बच्चों बढ़ोतरी हुई है ठीक है ये कभी नहीं बताता है कि कीमत में अगर 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है उससे मांग में कितने प्रतिशत की कमी होगी यानी ये सिर्फ क्या करता है बच्चों सिर्फ दिशा दिखाता है एक गुणात्मक कथन है कि ये क्या करता है बस ये बताता है कि दोनों में संबंध है और दोनों में विपरीत संबंध है और क्या करता है ये दिशा दिखाता है पर यह कभी भी ये कभी भी मात्रात्मक रूप से नहीं बताता है कि अगर यहाँ पे कीमत में अगर इतने प्रतिशत से कमी हुई है तो मांग में भी इतने प्रतिशत से कमी होगी तो अगर हम देखें बच्चों मांग का जो नियम है मांग का नियम क्या है बच्चों एक गुणात्मक कथन है क्या कहता है ये सिर्फ यहाँ पे क्या है बच्चों एक गुणात्मक कथन है जो सिर्फ क्या दिखाता है दिशा दिखाता है और इसका किसी भी मात्रात्मक कथन से कोई संबंध नहीं है अगर हम अगर हम बच्चों यहाँ पे देखें मात्रात्मक कथन कौन सा हो गया यानी कौन सा कौन सा यहाँ पे क्या कौन है जो यहाँ पे अगर कीमत में इतना प्रतिशत परिवर्तन होगा और मांग में इतने प्रतिशत से मांग बदलेगी ये कौन बताता है बच्चों ये बताती है हमारी इलास्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच बताती है ठीक है बच्चों ये हम भी ये भी हम कवर करेंगे बच्चों मांग की लोच में पर आज हम देखेंगे सिर्फ डिमांड ठीक है बच्चा पार्टी तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन और क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है मांग का नियम क्या है एक गुणात्मक कथन है आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है जरा देखे तो सही अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यदि यदि वस्तु X की कीमत में गिरावट के कारण वस्तु Y की मांग बढ़ जाती है तो दोनों वस्तुएं हैं आखिर कौन सी है वैकल्पिक वस्तुएं हैं पूरक वस्तुएं हैं संबंधित वस्तुएं हैं संबंधित वस्तु नहीं है और प्रतिस्पर्धी वस्तुएं कौन सी वस्तु होंगी टाइम चल रहा है बच्चों टाइमर चल चुका है और बच्चों ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर फटाफट से सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे और हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों और सभी बच्चों की तरफ से जवाब जवाब आना चाहिए क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर ओके okay, बच्चा पार्टी ओके okay, अब तक हमने देखा था एक जो है एक वस्तु जो है वो आई थी बच्चों कौन सी स्थानापन वस्तु क्या आई थी स्थानापन वस्तु क्या हम इसको यहाँ पे कहेंगे वैकल्पिक वस्तु क्या कहेंगे हमने वैकल्पिक वस्तु देखी हमने वैकल्पिक वस्तु देखी जो क्या बता रही है कि हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया था चाय और कॉफ़ी का जिसमें चाय की जगह हम किसका उपयोग कर सकते थे बच्चों कॉफी का उपयोग कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे बच्चों वैकल्पिक वस्तु में हमने देखा था या प्रतिस्थापन वस्तु में देखा था कि अगर किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु की मांग क्या होगी बच्चों दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे वहां कौन सा संबंध था अरे भाई वहां तो प्रत्यक्ष संबंध था क्या हो रहा था एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है कीमत हो गई हमारी वस्तु X की और यहां पे मांग हो गई वस्तु Y की ठीक है ये वस्तु X और ये वस्तु y जिसमें हमने देखा कीमत बढ़ रही है x की तो मांग बढ़ रही है किसकी Y की पर अगर कीमत कम हो रही है X की तो मांग भी कम होगी किसकी Y की तो हम यहाँ कहेंगे दोनों में क्या है धनात्मक संबंध तो यहां पे हमारा वैकल्पिक वस्तु तो आएगा नहीं ठीक है बच्चों संबंधित वस्तु नहीं है अगर एक दूसरे संबंधित नहीं है बच्चों तो यहां पे भी क्या होगा यहां पे भी कोई रिलेशन नहीं आएगा ठीक है अगर कोई वस्तु एक दूसरे से संबंधित ही नहीं है तो एक की मांग दूसरे को प्रभावित ही नहीं कर सकती एक की कीमत दूसरे की मांग को प्रभावित ही नहीं कर सकती तीसरा हम देखेंगे बच्चों प्रतिस्पर्धी वस्तु तो प्रतिस्पर्धी वस्तु भी यहां पे नहीं आएगा ठीक है तो बच्चा क्या बच्चों पूरक वस्तु अब पूरक वस्तु क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ठीक है पूरक वस्तु क्या है बच्चों ऐसी वस्तु है जिसमें एक अगर वस्तु नहीं हो तो दूसरी वस्तु का काम नहीं चलता है चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कार और पेट्रोल का अगर बच्चों आपके अगर हमारी इकोनॉमी में पेट्रोल ही नहीं होगा मान लेते हैं कार और पेट्रोल है और बच्चों अगर पेट्रोल नहीं होगा तो क्या आप कार चला सकते हो क्या आप बाइक चला सकते हो नहीं ना उसी तरह उसी तरह बच्चों ये क्या है बच्चों एक दूसरे की पूरक वस्तु है जिसमें अगर एक चीज नहीं होगी तो दूसरी चीज का कोई उपयोग नहीं है जैसे हम पेन और श्या का ही एग्जाम्पल ले लें अगर श्या नहीं होगी बच्चों तो क्या हमारा पेन का कोई उपयोग है नहीं ना तो बच्चों वो क्या हो गए? बच्चों आपस में एक दूसरे की पूरक वस्तु होगी अब बच्चों दोनों में अगर हम मांग और कीमत में संबंध देखें तो दोनों में कैसा संबंध होता है तो बच्चों हमेशा अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वो दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाती है बच्चों कम हो जाती है ठीक है ये हमेशा ध्यान रखना हमेशा अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है तो मांग की कीमत क्या होगी बच्चों कम हो जाएगी वहीं, अगर यहां पे पेट्रोल की कीमत कम है तो मांग की कीमत क्या मांग सॉरी कार की मांग क्या हो जाएगी बच्चों बढ़ जाएगी तो इसका जो डायग्राम है बच्चों वो कुछ इस तरह से बनता है अगर हम इसका डायग्राम देखें तो इसका जो डायग्राम है यहां बना लेती हूं मैं जीरो एक्स वाई और ये हमारी x हो गई बच्चों x वस्तु वस्तु x और y x पे हो गया बच्चों वस्तु y वस्तु y ठीक है बच्चों अब यहां पे ये हो गई हमारी क्या वस्तु y की कीमत है वस्तु y की कीमत ठीक है अगर वस्तु y की कीमत ज्यादा है तो उसकी मांग क्या होगी बच्चों यहाँ पे कम होगी यहाँ पे x वस्तु की मांग कम हो जाएगी और अगर वस्तु Y की कीमत क्या है बच्चों कम है तो वस्तु X की मांग क्या होगी बच्चों बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या होगा इसका जो ढलान होगा बच्चों इसका जो मांग वक्र होगा वो कैसा होगा ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा जिसमें क्या दिखा रहे हैं बच्चों जिसमें दिखा रहे हैं कि एक्स वस्तु की कीमत में गिरावट के कारण वाई वस्तु की क्या होगी बच्चों मांग बढ़ जाएगी ठीक है बच्चा पार्टी तो इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर टेन का क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर होगा दोनों ही वस्तुएं क्या है बच्चों दोनों ही वस्तुएं हैं यहाँ पे पूरक वस्तुएं तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टेन और इसी के साथ इसी के साथ हमने आज की एन सीरीज में डिमांड से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज हमने कर लिए हैं बच्चों ये दस जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप भी इनकी प्रैक्टिस करना बच्चों क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से बहुत सच में बहुत ही प्रैक्टिस करना मतपूर्ण तो क्वेश्चन जो कि आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है बच्चा पार्टी अब बारी आती है बच्चों आज हमने क्या देखा आज हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन देखे थे जो कि जुड़े हुए हैं बच्चों मांग से यानी डिमांड से और बच्चों अभी तक अगर किसी बच्चे ने अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का टेलीग्राम जो चैनल है बच्चों उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि टेलीग्राम पर मिलती है बच्चों सारी अपकमिंग सेशन की जानकारी उसके अलावा बच्चों टेलीग्राम पर आपको मिलेंगे नोट्स यस आपको नोट्स मिलेंगे वो भी पीडीएफ के फॉर्म में और बच्चों मैं आपको बता दूं आपकी सुविधा के लिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन लेके आए कि व्हाट्सएप ग्रुप और इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आप अपना कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हो और बच्चों आपके लिए एक फेस फेसबुक पेज बनाया है तो आप उनसे भी जुड़ सकते हो तीनों का ही डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के सॉरी तीनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहां जाइए और हमसे जुड़ जाइए ठीक है बच्चा पार्टी तो अब समय आ गया है बच्चों अलविदा कहने का तो अभी तक अगर किसी बच्चे ने हमारे चैनल अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के क्लास इलेवन ट्वेल्व जेई नीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और इस सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और बच्चों आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना ठीक है बच्चा पार्टी तो बच्चों फिर मिलते हैं अपने सेम टाइम अरे भाई अपना सेम टाइम क्या है ग्यारह बजे यानी घड़ी में ग्यारह बजे तो पूजा मैम का समय आ गया है और मतलब ग्यारह बजे मतलब तो पूजा मैम की क्लास ग्यारह बजे मतलब इकोनॉमिक्स की क्लास तो बच्चों क्लास मिस करना तो बिल्कुल मत भूलना ठीक है क्लास अटेंड करना तो बिल्कुल मत भूलना ठीक है सॉरी क्लास अटेंड करना तो बिल्कुल मत भूलना क्योंकि बच्चों अब अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और उसमें अपन आगे का देखेंगे ठीक है बच्चा पार्टी तो बच्चा पार्टी सभी को मेरी तरफ से बाय आज के लिए हम इतने ही आज हमने इतने ही क्वेश्चन किए अगली बार फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ एम लेके आएंगे और उसमें मुझे आपका भी पार्टिसिपेशन चाहिए ठीक है बच्चा पार्टी तब तक क्या करो आप खूब खाओ पियो मौज मस्ती करो ठीक है बच्चा पार्टी पर हाँ पढ़ाई करना मत भूलना ठीक है बच्चा पार्टी सो बाय बाय टू यू ऑल बाय बाय